नेते बोले राहुल संसद में आकर माफी मांगे। हर भारतीय यही चाहता है क्योंकि पीएम के लिए उनकी नफरत देश के लिए नफरत में बदल गई। बजट सत्र के तीसरे दिन की शुरुआत से पहले स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर विदेश में देश का अपमान करने, संसद से गैर हाजिरी रहने और माफी न मांगने पर जमकर हमला बोला। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्मृति ने कहा कि राहुल गांधी की पीएम मोदी के लिए नफरत अब देश के लिए नफरत में बदल चुकी है, इसलिए हर भारतीय यही मांग करता है कि वे संसद में आकर माफी मांगे। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्मृति ईरानी के आरोपों पर कहा, मैं माफी मांगने वालों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि पीएम मोदी भी 5-6 देशों में गए थे जहां उन्होंने कहा था कि भारत में जन्म लेना पाप है, अभिव्यक्ति की आजादी को कमजोर किया जा रहा है, सच बोलने वालों को जेल हो रही है, यह लोकतंत्र का अंत नहीं तो क्या है, इसलिए माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। हम भी उनसे पूछेंगे कि आप इतने देशों में गए और यहां के लोगों का अपमान किया। राहुल गांधी ने तो सिर्फ लोकतंत्र पर बात की, जब लोग बहस में जाते हैं तो वे अपनी राय रखते ही हैं। राहुल गांधी ने एक ऐसे देश में जाकर विदेशी ताकतों को आह्वान किया जिसका भारत को गुलाम बनाने का इतिहास रहा है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाते हुए राहुल गांधी ने ये खेद व्यक्त किया है, क्यों विदेशी ताकतें आकर भारत पर धावा नहीं बोलती। उनका देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भारत के प्रति देश में तब्दील हो चुका है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।